हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं फिर से आ गई अपनी रिचार्ज किचन लेके। आज मैं आपको मूर्थल वाले पराठे बनाना सिखाऊंगी। देखिए कैसे बनते हैं, पूरी एंड तक देखिएगा। बिल्कुल घर पर बनेंगे मूर्थल के पराठे, वो भी बिना किसी तंदूर के, खाली आपके घर के तवे पर। चलिए चलते हैं पूरी वीडियो देखने के लिए कि इन सब के लिए आपको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ेगी। चलिए जानते हैं मूर्थल के पराठे बिल्कुल तंदूर जैसे एकदम कैसे बनेंगे हमारे घर पर ही। तो चलिए जानते हैं उसके लिए पहले क्या क्या चाहिए होगा। मैंने चार बड़े आलू लिए हैं, हम चार लोगों के लिए पराठे बना रहे हैं, इसमें चार आलू लिए हैं। मैंने चॉप करी हुई अनियन ली है, इसको मैंने प्री चॉप कर लिया है, और एक कटोरी मतलब एक बड़ी अनियन। थोड़ा सा मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। मैंने थोड़ा सा ग्राइंड किया हुआ धनिया लिया है, थोड़ी सी 2 टेबल स्पून। मैंने ग्रीन चिलीज लिए हैं, ये इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये थोड़ी ज्यादा ली है मैंने, वो आलू के पराठे में अच्छी लगती हैं। ये सारे मसाले जो इसमें डालेंगे, सूखा धनिया, लाल मिर्च, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी मैंने 2 पिंच हींग ली है, और थोड़ा सा मैंने 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर गरम मसाला लिया है। बस इतने ही सामान से हमारा तंदूर का पराठा बहुत यम्मी और बिल्कुल मार्केट जैसा, मतलब जैसे कि मूर्थल में हम खाते हैं बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। आपको मूर्थल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप घर पे ही उस पराठे को कभी भी मनचाहा बना सकते हैं। चलिए आइए अब इसका हम अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं कि कैसे बनेगा। चलिए अब हम आलूओं को मैश करते हैं अच्छे से। अगर आपके पास मैशर हो आप उससे कर सकते हैं, मैं हाथों से ही कर रही हूँ, जिससे अच्छे से वो हम अच्छा सा इसका पेस्ट बना ले। ज्यादा बारीक बारीक नहीं करना है, याद रखिएगा, हमें इसे कद्दूकस भी नहीं करना है, हमें हाथों से या फिर मैशर से ही इसको मैश करना है। अब चलिए हम इसमें जो हमारा हमने 1 कप ऑनियन लिया था वो इसमें डाल देते हैं, चॉप किया हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे 1 टेबल स्पून। सॉरी मैंने दिया, हरा धनिया डाल दिया, हरी मिर्च कटी हुई, मसाले निकाले थे वो सारे मसाले एक एक करके डाल देंगे, लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, क्या कहते हैं, धनिया पाउडर, हींग, और ना स्वाद अनुसार नमक। अब हम इसको अच्छे से सबको मैश कर लेंगे हाथों की, उससे मिला लेंगे बिल्कुल अच्छे से कि कुछ भी रह ना जाए। और अगर आपके थोड़े से बड़े बड़े आलू हैं वो इसी में ही हम मैश कर देंगे, अच्छे से इसको मैश करेंगे हाथों से। चलिए देखिए हमने अच्छा सा इसका हमने बिल्कुल मिक्स कर लिया है। अब हम अपने इसकी लोई बना के आटा बनाते हैं इसके पराठे। अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी ट्रिक भी बताऊंगी कि अगर आपके आलू के पराठे फट जाते हैं, आलू गीला हो जाए तो वो कैसे नहीं होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और मैंने इसके लिए एक अलग से भी वीडियो बनाई है, आप उसको भी देख सकते हैं, नहीं तो इस वीडियो को भी एंड तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए अब हमारे आलू का भरता बन गया था, हमने डो ले लिया है, हमें इतना मोटा डो लेना है, थोड़ा सा आटा डालना है, इस डो को हल्का हल्का बेलना है। और इसमें हम अपना आलू का ये रखेंगे मैश किया हुआ आलू इसका पेस्ट, और इसको हम अच्छे से इसको ऐसे इसको बंद कर देंगे, बिल्कुल खुला नहीं रहना चाहिए, इसे अच्छे से डैप कर लेंगे और इसको हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। हम हल्के हल्के हाथों से बेलेंगे। वैसे तंदूर का पराठा हमें बेलना ज्यादा, मतलब आपको अगर हाथ से बनाना हो तो हाथ से ना, मैं हल्का सा बेल रही हूँ, उसके बाद मैं इसको ऐसे ऐसे करके पूरा बड़ा कर लूंगी, क्योंकि तंदूर का पराठा हमेशा हाथ से ही बनता है। तो हम मूर्थल के पराठे बना रहे हैं इसीलिए मैं इसको हाथ से कर रही हूँ। अगर आप बेलन का यूज करेंगे तो आप बेलन से भी कर सकते हैं इसको, लेकिन थोड़ा मोटा रखना है, याद रखिएगा। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा टैप टैप करके घी लगा दूंगी, ज्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा ही लगाना है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी और इसको भी अच्छे से डैप डैप कर देना है इसके ऊपर। देखिए अब ये सेट हो गया है। अब इस पराठे को हम हल्के हाथों से उठा लेंगे और एक ऐसे हम टॉवल ले लेंगे अपनी किचन टॉवल, उस पर हम इसको रख देंगे, इसे हम इस तरीके से इस पे रख देंगे। और इस वाले पार्ट पे हम इस पे थोड़ा सा हल्के हाथों से अपने हाथ गीले करके इस पे ऐसे से करके पानी लगा लेंगे। और हमने अपना तवा प्री हीट कर दिया है, इस पे हमें इस देखने के लिए हमें बहुत तेज करना है, हमें इस पे पानी डाल के देखना है जो तुरंत एब्जॉर्ब हो जाए। और फिर हमें अपना पराठा इस तरीके से लेना है और इसको ऐसे डैप कर देना और थोड़ा इसके ऊपर से भी इसको डैप कर, इससे अच्छे से चिपक जाए। और हमें इसे मीडियम गैस पे सेकना है और
और आप जब देखने लगेंगे थोड़ा सा पराठा जब ये ऊपर से सिकने लग जाएगा, थोड़ा सा ड्राई होने लगेगा, तब हम इसे पलट के सिकेंगे। अब देखिए ये हमारा ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है। अब हम इसको ऐसे कर देंगे उल्टा और इसको इस तरीके से हम इसको हल्का हल्का सेकेंगे। ऐसे ही हमें पूरा पराठा सेक लेना है। हमारा देखिए हमारा ये पराठा बिल्कुल सिक गया है। अब हम इसको स्पैटुला की मदद से इसको इसमें से उतार लेंगे और इस पे आपको कोई सा भी घी, मक्खन, घर का बना हुआ मक्खन कुछ भी लगा के इसको खा सकते हैं। देखिए हमारा तंदूरी पराठा बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल मूर्थल के जैसा। इस वीडियो को आप देखिएगा, घर पे ट्राई करिएगा, बताइएगा आपको ये पराठे कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। देखिए ये मेरे मूर्थल के पराठे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप इसको बटर के साथ, घर के मक्खन के साथ, बाहर के मक्खन के साथ, घी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं, बिल्कुल एकदम मार्केट जैसे। तो प्लीज इस वीडियो को ट्राई करिएगा घर पर, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा कि आपको ये पराठे कैसे लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।